हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुस्ताक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपके रियलमी नार्जो 20 में, दोस्तों वीडियो को छोड़कर मत जाना यार, क्योंकि मुझे पता है आप देखते हो कि बोर्डियों से बता रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा नहीं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको कौन सी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने वाला हूं उनके बारे में बता देता हूं। दोस्तों, यदि आपके इसमें रियलमी नार्जो 20 बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रहे हैं तो भी इसका सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा, और यदि आपका डेड की कंडीशन में भी होता है, दोस्तों मैं आपको इसमें जो एक बताऊंगा, इस चार्जिंग लाइन में एक कंपोनेंट होता है, अगर वो शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल डेड की कंडीशन में भी रहता है, इसलिए आप उसको भी चेक कर सकते हैं, आपको हर नई चीज सीखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, यदि देखो आप जैसे ही इसको चार्जिंग के अंदर कनेक्ट करते हैं तो ये ज्यादा एम्पियर कंज्यूम करता है। ठीक है, एम्पियर ज्यादा कंज्यूम करता है तो उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बने रहिए, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों पहले लाइक करो यार, अरे नहीं, बिना लाइक के आगे नहीं बढ़ना, पहले लाइक कर दो वीडियो को, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे, और सब्सक्राइब भी कर देना, पैसे नहीं लूंगा। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों हमें क्या करना होता है, पहले आप इसकी चार्जिंग को लाइन को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी बताते जाऊंगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये वाला कनेक्टर है। ठीक है, इसको B2B कनेक्टर कहते हैं, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, क्योंकि ये हमारे CC बोर्ड को मेन बोर्ड से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको B2B कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं जो चार्जिंग जैक से प्लस वाला वोल्टेज आता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस वाले टेस्ट पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, यदि आपके देखो इसमें स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है या फिर चार्जिंग ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताता हूँ, आप चार्जिंग जैक के प्लस वाले पॉइंट से लेकर आप यहाँ पर इस टेस्ट पॉइंट जब पर लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इसका रीज़न क्या, देखो अगर वोल्टेज आ रहा है तो भी आप जंपर लगाकर देख लीजिए, क्योंकि कई बार ये जैक लूज हो जाता है या फिर कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप जंपर कर सकते हैं। दोस्तों रुको, अगर आपका इसका सोल्यूशन मिल गया तो वीडियो को छोड़कर मत जाओ यार, क्योंकि आपको है ना बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिलने वाला है जो आपके इन फ्यूचर आपके बहुत ही काम आने वाला है। डेड मोबाइल भी हो सकता है, इस एक कॉम्पोनेंट बताऊँगा उससे डेड भी हो सकता है और ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्लो चार्जिंग की और ब्लिंकिंग चार्जिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी सोल्व हो सकती है, और भी मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग की लाइन आप देख सकते हैं इस वाले टेस्ट पॉइंट के बाद, यहाँ पर इसके पीछे की साइड में सिम ट्रे के ठीक नीचे इसका चार्जिंग सेक्शन होता है, यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वीबस वाली लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं चार्जर सॉकेट से आने वाला वोल्टेज इस कैपेसिटर में जाता है, उसके बाद इस कैपेसिटर में जाता है, और उसके बाद ये तीन छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, और उसके बाद हमारे इस मॉसफेट में चला जाता है, या फिर इसको NVP भी बोल सकते हैं। ये हमारी होती है OVP और ये है NVP, मतलब नेगेटिव वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों ही हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यही वाला कंपोनेंट है, आप इस अगर ये ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो हमारा मोबाइल डेड की कंडीशन में आ जाता है, हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये, और अगर आपका मोबाइल ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है तो भी आपकी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके शॉर्ट होने की वजह से आपका ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, इसलिए आपकी चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगी, आप इसको निकाल दीजिए, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से लेकर आप सीधा इस वाले कैपेसिटर पर भी जंपर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी OVP IC है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एक तरह से फ्यूज़ का काम करती है। ठीक है, इसके शॉर्ट दोस्तों ये OVP IC क्यों लगी रहती है मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, दोस्तों ये हमारे तरह से फ्यूज का काम करती है, और सेकंड बात ये हमारे उस मोबाइल में लगी रहती है जिसमें OTG सिस्टम होता है, क्योंकि ये वोल्टेज का रेगुलेट करती है। ठीक है, क्योंकि जब हम मोबाइल में सेटिंग से OTG ऑन करते हैं, यहां पर इसके CPU से ये सिग्नल आते हैं कि हमारे सेटिंग में ये वो OTG ऑन हो गई है, तो फिर ये हमारे चार्जिंग जैक पर वोल्टेज भेजती है। ठीक है, चार्जिंग जैक पर वोल्टेज भेजती है जिससे हम कोई भी USB कनेक्ट करते हैं तो उसमें वो LED होती है, वो जलती है। ठीक है, इसलिए उसमें पुराने मोबाइल में जिसमें OTG सिस्टम नहीं होता है उसमें OVP IC नहीं आती है।
उसमें 0 ओम का रजिस्टर लगाकर काम चलाया जाता था पहले, ठीक है। अब यहाँ पर OVP IC लगी आती है। और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक कर लेना, अगर यहाँ पर आपका वोल्टेज नहीं आता है तो आप इस कैपेसिटर से लेकर आप सीधा यहाँ पर जंपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा वोल्टेज आता है यहाँ पर, ये यह हमारी चार्जिंग IC, ये BQ IC है, BQ IC को चार्जिंग IC भी बोल सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं इस कैपेसिटर में आता है, उसके बाद इस कैपेसिटर में आता है, और उसके बाद हमारी OVP IC में चला जाता है, ठीक है। OVP IC में यहाँ तक वोल्टेज दोस्तों आपके चार्जर सॉकेट पर जो वोल्टेज मिलता है वो सेम वोल्टेज आपको इस वाले कैपेसिटर पर मिलना चाहिए और IC के इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। आपको फर्स्ट पॉइंट पर इधर से चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर दोस्तों यदि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आता है तो आप वो चार्जिंग जैक से यहाँ तक भी जंपर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अगर ये OVP IC से वोल्टेज नहीं जा रहा है तो आप इसको रिप्लेस भी कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो हमारे मोबाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, अगर नहीं हो तो जंपर कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही हमारी इस IC के अंदर 5 वोल्ट से लेकर 5.7 तक जो चार्जर सॉकेट से वोल्टेज आता है वो जाता है, तो फिर ये IC VBAT के वोल्टेज को जनरेट करती है जो 3.7 से 4.2 के बीच होता है, जो आपको यहां पर देख सकते हैं ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट पर यहां से आउटपुट देती है इस वाले कैपेसिटर पर, ठीक है। उसके बाद इस कैपेसिटर में जाता है, उसके बाद इसमें और फिर इस डायोड में जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3.7 से 4.2 के बीच वोल्टेज मिलेगा, और उसके बाद दोस्तों इस डायोड से सीधा हमारे जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर के इस TP पॉइंट पर, यहां पर ऊपर 2 TP पॉइंट लगे हुए हैं, इन 2 TP पॉइंट में आ जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद सीधा हमारी बैटरी कनेक्ट के इस प्लस वाले पॉइंट पर वोल्टेज आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे रियलमी नार्जो 20 में इसका जो चार्जिंग की लाइन होती है वो वर्क करती है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, क्या मुझे लगता है बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों अगर हेल्पफुल रहा है तो यार कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है यार कि हाँ अच्छा लगता है कि हेल्प हो रही है और कमेंट कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, तो हम भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ठीक है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको नई चीज़ें इसमें सीखने को मिली होगी, और आगे के लिए मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।